हे गाइस वेलकम बैक टू न्यू वीडियो और आप सभी का स्वागत है मेरी यूट्यूब चैनल में करोना पढ़ाई। और आज हम वापस आ चुके हैं 600 के साइंस के साथ नेचुरल रिसोर्सेज एयर वाटर और लैंड। चलिए शुरू करते हैं। ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व द पिक्चर अलोंग एंड आंसर द क्वेश्चन। अब यहाँ पे बोला गया हमें ये जो पिक्चर दिया गया है बाजू में उसको ऑब्जर्व करना है और जितने भी हमारे क्वेश्चन हैं हमें उन्हें आंसर करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। अभी यहाँ पे हमें बर्ड्स आंसर दिए करने बोले, बर्ड्स हमारे यहाँ पे है। और अभी गाय कहाँ घास खा रही है, गाय हमारी यहाँ पे है, हम यहाँ पे गाय को देख सकते हैं। लोकेट द ट्री एंड द रोड, ट्रीज यहाँ पे हैं और रोड भी वहाँ पे है। वेयर इज द एरोप्लेन, एरोप्लेन यहाँ पे। Where does the river come from and how does it flow? हमें river यहाँ से आते हुए दिख रही है और वो flow एक zigzag motion में हो रहा है। और where are the fish seen? Fish यहाँ पे हम देख सकते हैं। On board the sailboat is floating. Sailboat पानी के ऊपर float कर रही है। चलो हमारा ये part complete हो चुका है, अभी हम आगे बढ़ते हैं natural resources के साथ। You can see that some things in the picture are in water, some on land and some in the sky. That is in the air. Thus, all the things on earth are associated with air. अब यहाँ पे हमें समझाया गया है कि जितने भी यहाँ पे और जो भी पिक्चर में दिखा गया है, वाटर, एयर एंड लैंड, ये तीनों चीज़ें अर्थ पे प्रेजेंट है। थ्री इक्वल पार्ट्स में तीनों अपना एक अकेला स्पीयर रखते हैं। एयर का एटमॉस्फियर, वाटर का हाइड्रोस्फियर और लैंड का लिथोस्फियर रिस्पेक्टिवली। और ये जितनी भी चीज़ें हैं सारी जैसे अभी हाइड्रोस्फियर में वहाँ पे भी मछलियाँ रहती है, शार्क्स रहती है, यहाँ पे भी लिविंग एनिमल्स है, लिविंग क्रीचर्स है। अभी लैंड पे देखे तो ह्यूमंस रहते हैं और जितने एनिमल्स रहते हैं, टेरेस्ट्रियल एनिमल्स रहते हैं, ये भी है। और एयर में आप देखो बर्ड्स रहते हैं। तो तीनों जगहों पे, एयर, लैंड, वाटर पे लिविंग ऑर्गेनिजम्स एग्जिस्ट करती है, हमें ये पैराग्राफ से ये पता चला है। मोर ओवर Different living things occupy these three spheres of earth. मैंने अभी बोला ना ये जो पहला पैराग्राफ है इसमें से हमें ये सारी चीज़ें पता चलती है। देखो अगर अभी जितने भी थ्री स्पीयर्स ऑफ अर्थ है इसमें सारों में लिविंग क्रीचर्स ऑक्यूपाई अपनी जगह कर चुके हैं। लिथोस्पियर, हाइड्रो, अभी हम आगे बढ़ते हैं। लिथोस्पियर, हाइड्रोस्पियर एंड एटमोस्फियर में अगर हम तीनों को ऐड कर दें एक साथ तो बायोस्पियर बन जाता है। दीज बायोस्पियर्स हैव फॉर्म्ड ऑन द अर्थ नेचुरली। वी हैव लर्न ऑल दीज इन द प्रीवियस स्टैंडर्ड्स। ये सब हो चुका है, हम लोगों ने ये प्रीवियस स्टैंडर्ड में पढ़ लिया है, ये अभी यहाँ पे लिखा गया है। द एटमोस्फियर इन द लेयर ऑफ एयर दैट सराउंड्स द अर्थ, अभी यहाँ पे लिखा है द एटमोस्फियर। एटमोस्फियर जो है एयर का एटमोस्फियर से है, वो अर्थ को पूरी तरह से राउंड करता है, कंप्लीट करता है, उसे सराउंड करता है। और आगे जो लैंड है, लैंड और वाटर के बीच अर्थ अभी दो हिस्सों में बटा है, लैंड और वाटर। अब इसमें हमें यहाँ पे एक पाई चार्ट दिखाया गया है। लिथोस्फीयर और हाइड्रोस्फीयर के बारे में जहाँ हम यहाँ पे देख सकते हैं कि जो वाटर का परसेंटेज है वो 71% है और जो लैंड का परसेंटेज है वो 29% है। अभी वाटर का जो परसेंटेज है वो लैंड से ज़्यादा है और यहाँ पे लिखा भी गया द हाइड्रोस्फीयर ऑक्यूपाइज मच लार्जर स्पेस पार्ट देन अ लिथोस्फीयर। फिगर 2.1 शोज द प्रोपोर्शन ऑफ लैंड एंड वाटर ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। देखो मैंने अभी आपको ये एक्सप्लेन किया था, यहाँ पे लिखा है वी ऑल्सो लुक अपॉन दीज नेचुरल कॉम्पोनेंट्स इन द सॉलिड, लिक्विड एंड गैसियस फॉर्म्स ऑफ एज रिसोर्सेस। अभी इन तीनों चीज़ों को हम रिसोर्सेस के हिसाब से भी देखते हैं,
गैस को, और गैस भी हमारा एक रिसोर्स है, हमें लाइट, हम एयर से, एयर नहीं होती तो कोई चीज़ जलती नहीं। और अभी हम ये देख सकते हैं लिक्विड भी पेट्रोल एक हमारा रिसोर्स है, सॉलिड ओर्स हमारी रिसोर्सेज है, ये तीनों जो स्टेट है इसमें से हमें रिसोर्सेज मिलती है, और ये सारी रिसोर्सेज हमारी रिक्वायरमेंट्स फुलफिल करती है। चलिए नेक्स्ट पेज पे आते हैं। अभी हम आ चुके हैं सेकंड पेज पे, एयर के गैसियस और गैसियस के बारे में। एयर इन द एटमॉस्फेयर अराउंड द अर्थ कंटेन्स नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, ऑक्सीजन, 6 इनर्ट गैसेस, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, वाटर वेपर एंड डस्ट पार्टिकल्स। ये सारे जितने भी अभी मैंने नाम लिए हैं गैसेस के, ये सारी गैसेस एयर एयर में इंक्लूडेड है। अभी हम यहाँ पे कह भी सकते हैं एयर एयर इज अ मिक्सचर, एयर इन सारे चीज़ों का मिक्सचर है। देखो एयर में ऑक्सीजन भी है, एयर में कार्बन डाइऑक्साइड भी है, एयर में नाइट्रोजन भी है, एयर में डस्ट पार्टिकल्स भी है, एयर में वाटर वेपर भी है, एयर में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड भी है, एयर में सल्फर डाइऑक्साइड भी है, एयर में 6 इनर्ट गैसेस भी है। ये सारी चीज़ें एयर को फुलफिल करती है। और जो हमारा मेन मेन हमारे दो गैसेस हैं हमारे लिए है, वो है नाइट्रोजन ऑक्सीजन वाटर वेपर और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। ये चारों गैसेस हमारे लिए मेन है, ह्यूमंस के लिए मेन है। और अगर हम देखा जाए प्लांट्स के हिसाब से, प्लांट्स के लिए कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, डस्ट पार्टिकल्स, ये इम्पोर्टेंट है। अभी आपने सोचा होगा ह्यूमंस और प्लांट्स के बारे में एयर के जितने भी सब्सटेंस है वो इम्पोर्टेंट डिफरेंट क्यों है, क्योंकि हमने ये साइंस में पढ़ा है कि जो प्लांट्स है वो कार्बन डाइऑक्साइड अंदर लेते हैं और ऑक्सीजन बाहर छोड़ते हैं फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में, और फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में उन्हें नाइट्रोजन और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। और वाटर वेपर भी लीव्स, जो लीव्स होते हैं प्लांट के, वो प्रोड्यूस करते हैं, या उन्हें वाटर वेपर की ज़रूरत पड़ती है जब उनका वाटर लॉस है, जब उनके वाटर लॉस हो जाता है। आप ये भी एक देख सकते हो, अगर आप बहुत धूप में चल रहे हो और फिर आप अचानक से एक झाड़ के नीचे आके बैठो तो आपको एकदम ठंडा ठंडा लगेगा। ऐसा क्यों है? क्योंकि जो झाड़ है वो वाटर, उसका जो लॉस हो रहा है वो वाटर वेपर में भी बन रहा है, और जब उसका वाटर लॉस हो रहा है, जो वाटर वेपर है एयर में, वो उसका थोड़ा सा पार्ट लेके खुद के लिए बचाता है। इसलिए आपको जब भी आप कोई गर्म जगह पे चल रहे हो, अगर आप एक झाड़ के नीचे आ जाते हो, आपको खुद ज़्यादा ठंडा लगता है। और ये फोटोसिंथेसिस के प्रोसेस में होता है। अभी आप आगे देख सकते हैं, यहाँ पे एक पाई चार्ट दिया गया है, 1.3 प्रॉपर्टीज ऑफ वेरियस गैसेज इन द एयर। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं नाइट्रोजन सबसे ज़्यादा है एयर में, ऑक्सीजन 21% है, आर्गन 0.9% है, अदर सिचुएटेड एयर ऑफ 0.07% है, कार्बन डाइऑक्साइड 0.03% है। अभी हम यहाँ पे देख सकते हैं कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा, ये जो पाई चार्ट हम देख रहे हैं ये है एवरेज पाई चार्ट पूरे अर्थ का, पर अगर हम एक पाई चार्ट दिल्ली और मुंबई का कंपेयर करें तो कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा दिल्ली में ज़्यादा, दिल्ली के पाई चार्ट में ज़्यादा हो गई मुंबई की पाई चार्ट में, क्योंकि हमें सबको पता है दिल्ली में कितना ज़्यादा पॉल्यूशन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी हम सम यूजेस ऑफ गैसेस इन एयर, अभी यहाँ पे हमें यूजेस दिए गए गैसेस के। अभी आप चाहते हो तो वीडियो पॉज करके सारे यूजेस लिख लो आपके नोटबुक में, जिसमें आप ये सारे पॉइंट्स अब तक लिखे जा रहे हो। इस वीडियो के एंड में इस टॉपिक का मैं वापस रिवीजन कराऊंगा, तभी भी आप चाहते हो तो तभी भी आप वीडियो पॉज कर सकते हो और ये सारे लिख लो। सम यूजेज ऑफ ग्लासेस मैं यहाँ पे पढ़ भी लेता हूँ। नाइट्रोजन हेल्प्स इन लिविंग थिंग्स टू बिल्ड अ नेसेसरी प्रोटीन, मैंने जैसे आपको कहा था, इट इज़ यूजफुल इन द प्रोडक्शन ऑफ अमोनिया एंड एन एयर टाइट पैकेजिंग ऑफ फूड
स्टफ। नाइट्रोजन का लिविंग थिंग्स, लिविंग ऑर्गेनिज्म के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उनके सर्वाइवल के लिए। और जो पैकेजेस होते हैं, जो स्टफ्ड होते हैं, जो चिप्स लेज होते हैं, उनके टिकने रहने के लिए, इतना ज़्यादा दिन टिके रहने के लिए नाइट्रोजन काफ़ी ज़्यादा यूज़ है। ऑक्सीजन के यूजेस पर नेसेसरी फॉर रेस्पिरेशन, ह्यूमन के रेस्पिरेशन के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। एंड ऑल्सो फॉर कंबशन, कंबशन वो चीज़ होती है जब कंबशन इज इक्वल टू फायर, फायर जब हम आग लगाते हैं तभी उसे कंबशन कहते हैं। प्लांट्स कार्बन डाइऑक्साइड, प्लांट्स यूज इट फॉर producing their food, used in fire extinguishers. आप पता है जब फायर, अभी कार्बन डाइऑक्साइड फायर के एक्सटिंगुइशर लेके क्यों यूज होती है? हम फायर तभी रखते हैं जब नाइट्रोजन ऑक्सीजन हो, ऑक्सीजन के वजह से ही फायर रहती है, अगर ऑक्सीजन ना हो तो फायर नहीं रहेगी। और उसके ही अपोजिट कार्बन डाइऑक्साइड उसे बुझाने का काम करती है, तो इसलिए कार्बन डाइऑक्साइड इज एन यूज एज अ फायर एक्सटिंगुइशर। और हम यहाँ पे देखते हैं, मैंने आपको कहा था प्लांट्स उनके फूड बनाने के लिए ये यूज करते हैं। आर्गन यूज इन इलेक्ट्रिक बल्ब्स, हीलियम यूज्ड फॉर ऑब्टेनिंग लो टेम्परेचर एंड ऑल्सो फॉर जनरेटिंग इन लिफ्ट इन एयरशिप्स। अभी हमने आर्गन और हीलियम के बारे में भी पढ़ा। नियॉन यूज्ड इन डेकोरेटिव लाइट्स एंड फॉर स्ट्रीट लाइट्स। अभी नियॉन आर्गन से ज़्यादा देर तक टिकता है, इसलिए वो स्ट्रीट लाइटिंग और डेकोरेटिव लाइट्स में ज़्यादा यूज होता है। क्रिप्टॉन फ्लोरेसेंट ट्यूब्स के लिए यूज होता है। और एक्सियॉन इज यूज फॉर फ्लैशिंग फोटोग्राफ्स। जब भी आप जाते हो ना, अगर आपके स्कूल वाले बोल देते हैं कि हमें एक आईडी के लिए फ़ोटो चाहिए, पासवर्ड साइज फ़ोटो, जब आप जाते हो तो वहाँ पे जो एक फ्लैश लाइट यूज़ होती है वो एक्सियॉन ही होती है जो फोटोग्राफर्स यूज़ करते हैं। ऑलवेज रिमेंबर द लिविंग वर्ल्ड ऑन अर्थ इज सिचुएटेड ड्यू टू द बैलेंस बिटवीन द वेरियस गैसेज एंड देयर अदर सिचुएशन ऑफ एयर। अभी हम ये ऑलवेज रिमेंबर आप पॉज करके पढ़ सकते हो। हमारा वीडियो यहाँ पे ख़त्म होता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो वीडियो को लाइक, वीडियो को शेयर, चैनल को सब्सक्राइब और कमेंट्स में ये ज़रूर बताना कि आपको मेरा वीडियो और एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। तब तक के लिए गुड बाय।